जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। अभी सुबह के 7:15 हो रहे हैं और 6 बजे लगभग फ़ोन आ गया था उनका, ग्राहकों का। उनकी दो ही खेप में ढो पाया था और अभी जा रहा हूँ। नींद ही नहीं खुली मेरी, इतना थक गया था मैं, थकान महसूस हो रही थी शरीर में। तो मैं 7 बजे मतलब 6:30 पे उठा हूँ। अब फ्रेश होकर मैं जा रहा हूँ। ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, अभी बच्चे बैठे थे इसमें। और एक और प्रॉब्लम, ये तार जो है टूट गई है, इसको बच्चे दिन ब दिन छील रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा। अब निकलता हूँ मैं, फ़ोन तो नहीं उठाए वो लोग, मैं पहुँचता हूँ। तो गाड़ी लग गई है और ईंट भराई चालू हो गई है। मौसम साफ है, गर्मी तेज है। कल दो खेप हो गए रहे, आज ये तीसरा है, देखो और कितने लग जाते हैं। तो दोस्तों लगभग भर ही गई है ट्राली और निकलेंगे आज का पहला खेप। इसके बाद घर भी जाना है, थोड़ी नाश्ता कर लूँ, 9 बज रहे हैं अभी। तो गाड़ी तो खड़ी कर आया हूँ और अभी आ गया हूँ घर नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करके देखते हैं आगे क्या काम है। तो ये तीन खेप के 1200 रुपये मिल गए और यहाँ पे अभी जगह बची नहीं है, उनका वो ऊपर घर बनेगा तो यहाँ पे जगह पूरी हो गई है। अब वो ये 2-3 दिन के बाद कह रहे हैं फिर करवाएंगे काम। निकलता हूँ मैं घर, 11 तो बज ही गए हैं। और बोतल, अब तो अभी काम शुरू ना होगा यार, 2-3 दिन बाद कह रहे हैं। सवा 4 हो रहे हैं और अब जा रहे हैं लकड़ी लेने, क्योंकि बिहारी बाइक मांग रहा था तो वो कहीं जाएगा। तो काम करवा लूँ, एक खेप का और लकड़ी का बचा है, जल्दी से जल्दी। भल्लू को पकड़ना पड़ेगा अभी। ये उसी समय की काटी हुई लकड़ियां हैं जिनका मैंने शॉर्ट्स डाला था। और ये है बिहारी, अभी काट रहा है। ये पुरानी लकड़ी होने के कारण फंस गई हैं और फंसे होने के कारण उस समय हम लोग नहीं किए थे, नहीं निकाल पाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा घसी हुई थी। और अभी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ निकल गई हैं और कुछ निकल रही हैं। दोस्तों ट्राली लगभग भर गई है और अब निकलेंगे घर, शाम हो गई है। ये लड़के अभी आए हैं, भर ही गया। तो घर पे लकड़ी पहुंच गई है, भल्लू भाई भी जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और अभी मैं घर की सफाई कर रहा हूँ। आज मैंने सोचा ही था, काफ़ी दिनों से लग रहा था मेरे को कि भाई घर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। और अभी मैं देखिए कहाँ पे चढ़ा हुआ हूँ, इसको कहते कुटिया, कुटिया के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ मैं। और ये इनको जो है ऊपर साफ कर रहा हूँ मैं, खप्पर पर से लगे हुए। दिखाता हूँ आपको आगे कि कितनी गंदगी है। ये देखिए दोस्तों, ये मलगे में पूरा पानी लीक हो के मिट्टियाँ लग गई हैं। ये मिट्टी जमी है जिससे पूरे मलगे ख़राब हो गए हैं और घर की हालत बहुत बुरी हो गई है। गांव वाले सुनते भी नहीं हैं कि छवाई हवाई के लिए, ठाट ठाट के लिए पूरे मलगे ख़राब हो गए। ये पूरी ये सब मिट्टी दिख रही है, ये दीमक है, ये इनमें कीड़े लगे हुए। ये देखिए कीड़े, ये बहुत समस्या है। करता हूँ, ये पूरे मलगे तक सड़ गए हैं, पूरे के खोखला हो गया है ये तो। बिल्कुल खोखला हो गया, कभी भी टूट जाएगा इतना मोटा मलगा। अब मैं सोच रहा हूँ ट्रैक्टर का ऑयल है तो उसको पोतूंगा, मतलब उन सिल पेंट टाइप का कर दूंगा तो काफ़ी बचत रहेगी।
नहीं घर का तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ये दीमकों की संख्या देखिए, मैंने अभी साफ किया है तो ये दीमक निकले हैं, इनकी अब संख्या देखिए, मेरा घर कभी भी गिर सकता है, छानी तो गिर ही जाएगी। ये तो चलो ईंट है, मिट्टी की जुड़ाई है, लेकिन घर में दम नहीं है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये बिल्कुल पूरा गल गया, इतना मोटा बल्ली, और ये दीमक ही सब ख़त्म कर देती है। इन्हीं को द्यार कहते हैं, ये बिल्कुल लकड़ी को गला के सब ख़त्म कर देते हैं। ये नई लकड़ी इतनी बची है, इतना मोटा इसकी देखिए लेयर उछल गई पूरी। एक दीमक बहुत खतरनाक ही रहती हैं, अब इनके लिए क्या करूं और कितने में मैं पेंट करूंगा, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा करूं भी कि नहीं करूं भाई, बहुत दिक्कत है। कचरा देखिए कितना सारा है, बहुत बुरा हाल है। और अब घर का कोई पक्का नहीं है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरे को तो डर लगने लगा, मतलब आपको लग रहा होगा कि भाई एक दो ये नीचे की बल्लियाँ घुनने से क्या हो जाएगा, आपको ये देख रहा है, आप ये सोचो ना कि भाई ये नीचे की जब घुन गई तो ऊपर वालों का क्या हाल होगा। पिछले साल का ब्लॉग आपने देखा होगा कि वो हो गया था, पूरा का पूरा छप्पर नीचे गिर गया था, छानी ही नीचे आ गई रही। यहाँ का भी यही हाल होगा, कभी भी हो सकता है। मैं तो क्या बताऊँ यार, शीट इतने बड़े घर में शीट लगवाने में लगभग 1-1.5 लाख का खर्चा जाएगा, वो खर्च कैसे निकलेगा यही नहीं पता। अभी खेती बाड़ी से भी उतना सार नहीं है ना, उतना समझ में नहीं आता है क्या, उतने अभी इनकम नहीं है, मतलब खेती से उतना पैसा नहीं आता, और कर्जे ज़्यादा हैं, ट्रैक्टर का देना पड़ता है। अभी अप्रैल लास्ट चल रही है, मई जून जुलाई में किस्त आ जाएगी फिर से, तो ठीक है कि चलो बुआ जी हेल्प कर देती हैं तो हो जाता है, नहीं तो भाई पैसे नहीं जोड़ पाते यार, बिल्कुल नहीं हो पाता है। देखिए ना घर की हालत, इस पर मैं कहाँ कहाँ करूँगा पेंट, यानी वो जो ऑयल रखा है अपने पास इंजन ऑयल, ट्रैक्टर का वो कर देते, लेकिन कहाँ कहाँ करूँगा, टूट जाएंगे और मेरे वजन से। अब वो घुन तो वैसे ही गए हैं, क्या बता दूँगा दोस्तों। काफ़ी साफ सफाई हो गई है, और इसमें पन्नी नई लाना पड़ेगा तो नई लगाऊंगा मैं, शाम हो गई है, और क्या बोल दूँ, जमाया हूँ अपनी तरफ से, करेंगे कुछ ना कुछ फ्यूचर में, देखते हैं। अब निकलता हूँ पानी भर के आ जाऊँ। आज मैं 8 डब्बे लेके आया हूँ, और ये बड़ा वाले नल में भीड़ देख लीजिए आप कितनी ज़्यादा है, डब्बे डब्बे अभी वो भर के जा रहे हैं, तो अब हमारा भी भर जाए, हम भी निकलेंगे। मैं तो 2 खेप मारूँगा, अब कितनी देर लगती है यही है। चुके घर के बच्चे हैं ये, और भरवा रहे हैं, अभी 1 खेप और आना है, और शाम हो चुकी है, तीसरा खेप जाने लगे, और लड़कों को उसके पहले मैं कुछ खाने के लिए दिला रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ। हाँ भाई बोलो, तुम्हारी भी रिकॉर्डिंग करेंगे, हाँ दिखाएंगे ना। हाँ अभी नहाया नहीं हूँ, घर की साफ सफाई में भी लगा रहा, नहाऊंगा अब, ये दूसरे खेप जा रहा हूँ।
तो दोस्तों पानी डूब गए हैं, रात के 9 बज रहे हैं, अभी भी ढो रहे हैं हम ड्रम भरने की कोशिश, इतना भर गया है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।